हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। तो ये यूनिट सेकंड जिसका नाम है सॉल्यूशन, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। सॉल्यूशन में क्या क्या होता है ये आप सभी जानते हो कि इसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब मिला देते हैं हम तो हमें क्या मिलता है, सॉल्यूशन मिलता है। अगर आपके पास 100% सॉल्यूशन है, ठीक है, तो उसके अंदर जो कम क्वांटिटी होगी, ठीक है, जो लेस क्वांटिटी होगी वो सॉल्यूट की होगी, और जो आपकी ज़्यादा क्वांटिटी होगी या जिसको बिग अमाउंट बोल सकते हो आप, जो बिग अमाउंट होगा वो किसका होगा, सॉल्वेंट का। अगर 100% सॉल्यूशन है तो उसके अंदर आपको 80% तो होगा सॉल्वेंट, 20% होगा आपका सॉल्यूट, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूट क्या होता है, जिसकी लेस क्वांटिटी होती है, और जिसकी मोर क्वांटिटी होती है वो क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। इन दोनों को मिक्स कर देते हैं हम तो हमें सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ट्रू सॉल्यूशन क्या होते हैं। देखो, इस यूनिट में हम बेस पढ़ेंगे सिर्फ, ठीक है, और कल इस यूनिट को अगले लेक्चर वाइज स्टार्ट करेंगे। आज हम लेक्चर वन में सिर्फ बेस ही पढ़ रहे हैं। तो देखो, ट्रू सॉल्यूशन क्या होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन वो होते हैं जिसमें सॉल्वेंट में सॉल्यूट पूरी तरह घुल जाए। ठीक है, मान लो कि मैंने यहां ले लिया, यहां पहले सॉल्यूशन का भी एग्जांपल दे देती हूं मैं आपको। ये आपके पास पूरा ग्लास फिल सॉल्यूशन है 100%। ठीक है, अब ये सॉल्यूशन किस किस चीज का है, सपोज यहां पर मैंने ये क्वांटिटी शुगर मिला रखी है 20%, ठीक है, और बाकी सारा क्या है इसमें, वाटर 80%। ठीक है, तो अब आप बताओ मुझे यहाँ पे सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। बड़े इजीली बता दोगे आपकी, ये सॉल्यूट है और ये क्या है आपका, वाटर सॉल्वेंट है। तो अब देखो, ट्रू सॉल्यूशन वो होते हैं जिसमें सॉल्वेंट में सॉल्यूट पूरी तरह घुल जाए। अब जो ये शुगर है जो कि एक सॉल्वेंट है, सॉरी सॉल्यूट है, और वाटर जो कि एक सॉल्वेंट है, तो आप सभी जानते हो कि वाटर के अंदर शुगर बड़े इजीली मिल जाती है ना। तो ये सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन होगा, ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, ये पूरी आपकी घुल चुकी है तो ये ट्रू सॉल्यूशन होते हैं। तो ट्रू सॉल्यूशन की डेफिनेशन नोट कर लो आप सभी मिलके, लिखो ट्रू सॉल्यूशन, साथ साथ नोट बनाना, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है ये। आर दोज इन विच सॉल्यूट कंप्लीटली डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये नोट कीजिए, डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पूछी जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल भी अगर पूछ लिया जाए तो आप एग्जाम्पल में कह सकते हो कि शुगर एज सोल्यूट इन वॉटर एज सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये जो ट्रू सॉल्यूशन की डेफिनेशन है। उसके बाद दो डेफिनेशन और होती हैं, होमोजीनियस सॉल्यूशन क्या होते हैं और हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो स्टूडेंट, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो भी बना रखी है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके सर्च करना, इस पूरे के ऊपर मैंने एक वीडियो अलग से बना रखी है जिसमें मैंने इनको पूरा डीपली एक्सप्लेन कर रखा है। इसमें मैं डीपली एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अगर आपको डीपली इसकी नॉलेज चाहिए तो आप मेरी दूसरी वाली वीडियो देख लेना। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ कि एक्चुअली में होमोजीनियस सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो देखो, अगर आपने कभी कोक की बॉटल पी होगी, थम्सअप की बॉटल पी होगी, उसके अंदर क्या होता है आपका, जो थम्सअप की बात करते हैं हम, तो आप उसको एक एक सिप करके पियो या गिलास में डाल के पियो तो उसका हर सिप का टेस्ट जो है वो सेम होगा। ठीक है, हर सिप में उसका टेस्ट सेम होगा, तो उसको हम बोलेंगे होमोजीनियस, जिसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन सेम रहे। ठीक है, जिसकी कंपोजिशन कैसी होगी, यूनिफॉर्म, मतलब हर जगह से जो है वो सेम रहेगा, तो वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन वाले आपके होमोजीनियस होंगे। और जिसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होगी, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ठीक है, जिसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी होमोजीनियस, जिसकी नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी वो क्या होंगे आपके, हेट्रोजीनियस होंगे। और एक और बात हम इसमें और देख लेते हैं छोटी सी, लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया बेसिक का, लेकिन ये आपकी बेसिक बातें हैं, फिर बार बार बीच में आएंगी यूनिट में फिर दिक्कत आती है। तो देखो, बाइनरी सोल्यूशन क्या होता है, बाइनरी होता है दोहरा, डबल। ठीक है, एक ऐसा सोल्यूशन जो कंटेन करता है एक ही टाइप का सोल्यूट, ठीक है, जो सोलवेंट में घोल देते हैं, अ सोल्यूशन containing a solution containing only one solute dissolve in a solvent।
ठीक है, तो ये आपका बाइनरी सोल्यूशन होगा। इसके साथ ही आपको एक और बता देती हूँ, एक्वस सोल्यूशन क्या होता है। एक्वस सोल्यूशन पढ़ा है ना आपने प्लस वन में, एक्वस सोल्यूशन क्या होते हैं, ऐसे सोल्यूशन जो वाटर की फॉर्म में होते हैं। ये सोल्यूशन को शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ मैं, SOLN। कहीं आप सोचो कि मैम ये क्या लिख रहे हैं, SOLN सोल्यूशन की शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ। जो वाटर की फॉर्म में होंगे सोल्यूशन, उनको हम एक्वस सोल्यूशन बोलते हैं। और नॉन एक्वस सोल्यूशन क्या होते हैं, जिसमें वाटर इज नॉट सॉल्वेंट, मतलब ज्यादा क्वांटिटी वाटर की ना हो। अगर वाटर की क्वांटिटी ज्यादा हो तो वो आपके एक्वस सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट ये बेस था हमारा यूनिट का, कल यूनिट स्टार्ट करेंगे तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ले लीजिएगा और हम नेक्स्ट वीडियो में आगे यूनिट को हम कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी हो तो। थैंक यू।